अभी इसमें पता जाएगा क्या कैसे मतलब जो है लौ दे रहा है, क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाना रहता है, और ये कौन सी गैस निकल रहा है जो जल रहा है, जो जल रहा है कौन सी गैस है, ये एसिटिलीन गैस है। किसी का बिल्डिंग करना है देखिए, इमरजेंसी में खाना वाना बना सकते हो नहीं बना सकते हो इससे खाना क्यों नहीं बना सकते हो क्योंकि इसकी फिल्म इतना तेज चल रही है कि जिस बर्तन को इसके ऊपर रखोगे ना उस बर्तन को ये गला देगा, छेद कर देगा ये, इसीलिए इसका मतलब जो है उपयोग जो है खाना पकाने में नहीं किया जा सकता है। अभी इसके अंदर गैस बन रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है। इसकी फिल्म को देखना नुकसानदायक भी है क्योंकि इसमें से कौन सी पराबैंगनी किरणें भी निकल रही हैं, है ना। इसमें क्या मिलाया गया था भैया, कैल्शियम कार्बाइड मिलाया गया था ना, समझ पाए ना। जैसे हम क्या कहते हैं, कारपेट, कारपेट कहते रहते हैं देहाती भाषा में, कारपेट कहते नहीं है, है ना। आम आम पकाया भी जाता है हाँ वही वही। आप ध्यान समझिएगा, हाँ बताइए, जो कैल्शियम कार्बाइड को जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एसिटिलीन गैस बनता है, जो भी जल रहा था एसिटिलीन गैस हमारा निकल रहा था, और जो नीचे बचा हुआ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जलता क्यों है एसिटिलीन गैस, ये काफ़ी ज्वलनशील गैस होता है। अब ये मान ले समझिए, इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलते हैं, ऐसा बात नहीं केवल एसिटिलीन गैस निकलता है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, समझ पाए ना। इसमें हाइड्रोजन गैस जरूर है इसलिए ज़्यादा तेजी से जल रहा है, समझे ना। अब इसका मतलब जो उपयोग खाना बनाने के लिए इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी फिल्म में भी आप लोगों ने देखा कितना ज्वलनशील था, ये जिस बर्तन में लगाया जाएगा ठीक है वो बर्तन पिघल जाएगा क्योंकि ये बिल्डिंग करने के काम आता है, लोहे को ही पिघला देता है, देखिए जब लोहा जो रहता है हीट करके पिघला देता है ना, है ना। इसलिए इसका प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता। खाना बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में मतलब जो है एलपीजी गैस जो होता है वो मतलब गंधहीन होता है कि गंध होता है उसमें, नहीं नहीं उसमें ब्यूटेन गैस मिलाया जाता है गंध उत्पन्न करने के लिए। कौन सा, जो एलपीजी गैस होता है उसमें ब्यूटेन गैस मिला दिया जाता है ताकि क्या हो वो गंध उत्पन्न करे, और जो एलपीजी गैस जो होता है उसमें कोई गंध नहीं होता, अगर यहीं छोड़ दिया जाएगा पता नहीं चलेगा कि एलपीजी गैस यहाँ है, अब आप माचिस लगा देंगे कमरे में आग लग जाया करेगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया कि पता चल जाए कि मतलब यहाँ गैस लीक कर रहा है, इसके लिए क्या किया गया एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस मिला दिया गया। ब्यूटेन गैस काफ़ी मतलब जो है गंधक गैस होता है, उसमें गंध होता है काफ़ी, और जो एलपीजी गैस होता है वो क्या होता है गंधहीन होता है, इसमें कोई ना गंध नहीं होता है, समझ पाए ना। उससे बचने के लिए मतलब कि एलपीजी गैस है प्रेजेंट नहीं है इसके लिए क्या किया गया, एलपीजी गैस के साथ साथ उसमें क्या मिला दिया गया ब्यूटेन गैस भी मिला दिया गया। ब्यूटेन गैस में क्या होता है गंध होता है, जैसे हम खोलते हैं जो बदबू करता नहीं है एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस नहीं बदबू करता है, वो ब्यूटेन गैस बदबू, उसी के साथ वो भी चलता है, तो जिसके कारण क्या जाता है हमें पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है। अभी देखिए क्या था, इसमें से जो एसिटिलीन गैस निकल रहा था वो बदबू कर रहा था नहीं कर रहा, अभी भी बदबू कर रहा है ना, तो कौन सी गैस घूम रही है एसिटिलीन गैस घूम रही है ना, जो क्या है सड़ी हुई मछली के समान गंध देता है हल्का सा, है ना।